2000 सिमगा थाना क्षेत्र में रमेश धावा के पास हादसे में एक मौत हो गई। कोयले से भरा ट्रक कार के ऊपर गिरने से कार में सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, सभी कोरबा से रायपुर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रास्ते में गाय आ जाने से ट्रक ड्राइवर उसे बचाने तेजी से काटा, इसी चक्कर में गाड़ी लहरा गई और बगल से गुजर रही कार पर जा गिरी। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी नई दिल्ली से साइबर टीम लाइन प्राप्त हुई थी कि आरोपी अनिल गुप्ता ने फेसबुक के माध्यम से अश्लील वीडियो अपलोड किया है। इस पर सारागांव पुलिस ने आरोपी अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया। धमतरी जिले में अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम साकरा में स्थित ओम नौकार राइस मिल में काम करने के दौरान हॉपर में फंसने से मंगुती मंडावी नामक महिला की मौत हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग की टीम ने शनिवार को सुनाथ नदी तट स्थित ग्राम चिखली में करीब 12 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस भूमि का बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया है। बिलासपुर जिले में बिल्हा के निपनिया में शनिवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा। खुशकिस्मती ये थी कि घर पर कोई मौजूद नहीं था, बल्कि पास में ही खेल रहे 6 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। ट्रक इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह घर तोड़ते हुए आगे निकल गई। लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी को धमतरी जिले के मगरनोर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गणेश कुमार यादव ने स्व सहायता समूहों को आजीविका गतिविधि संचालन के लिए दोना पत्तल चप्पल आदि के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीन ई रिक्शा कच्चा माल आदि उपलब्ध कराने के एवज में अलग अलग क्लस्टर से 25 लाख रुपए प्राप्त किए, लेकिन मात्र 4.25 लाख का सामान ही दिया गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गापुर में आपसी विवाद में पिटाई से घायल महिला की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहन पैकरा से पूछताछ की तो उसने बताया कि पत्नी शराब पीने की आदी थी, वह बच्चों की देखरेख नहीं करती थी, जिससे आवेश में आकर पत्नी रामेश्वर की पिटाई कर दी थी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर में शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पूर्व सीएम ने सीधा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने जुट जाए, बैठक में स्थानीय मुद्दों पर फोकस करें, जनता के बीच जाएं और कांग्रेस की कथनी और करनी के बारे में बताएं। सकती जिले में फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी करने के मामले में शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। नियो को जब मामले की शिकायत मिली तो उन्होंने शिक्षक को नियुक्ति के समय पेश किए गए दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन शिक्षक ने समय सीमा में जानकारी नहीं दी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। सूरतपुर जिले के देवनगर में नशीले इंजेक्शन से जगधारी प्रजापति नामक युवक की मौत हो गई। तस्कर ने मृतक के साथ 2 अन्य युवकों को नशे का इंजेक्शन लगाया था। जिन युवकों को तस्करों ने इंजेक्शन लगाया था उनसे पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। विकास को तरसता बिलासपुर, अधूरे शहर की अधूरी कहानी अभियान के अंतर्गत पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अधूरी सीवरेज परियोजना के विरोध में सनिचरी में निर्माणाधीन ज्वाली कुआं पंपिंग स्टेशन के समीप धरना देते हुए कहा कि जनता की सुविधा हर जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता होती है, जनहित में राजनीतिक लाभ की सोच बाधा नहीं होनी चाहिए। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली में की गई शिकायत के बाद रायपुर की महिला थाना पुलिस ने रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के बोरी डिपा स्थित नंदे फोटोकॉपी के संचालक राजेंद्र नंदे और उसके परिवार वालों के खिलाफ क्रूरता और दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज की है। बहू के साथ दुर्व्यवहार में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त नवीन नंदे का पूरा परिवार शामिल है, जिसके बाद महिला थाना रायपुर ने आरोपी पुलिस उप निरीक्षक जितेन नंदे, बड़े भाई राजेंद्र नंदे और माता शकुंतला नंदे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़ौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रोहासी में धीवर परिवार को गांव से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। बहिष्कार करने से धीवर परिवार का जीना मुहाल हो गया। गांव में धीवर परिवार का बुनियादी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, जिसमें धीवर परिवार को जीवन व्यतीत करने में परेशानी हो रही है। परिवार ने बहिष्कार करने वाले पर कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर, SP और थाना प्रभारी से आवेदन देकर न्याय करने की गुहार लगाई है।
शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3:40 पर राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में खड़ी जब्ती की दर्जनों गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलती गई और जिन गाड़ियों में थोड़ा बहुत पेट्रोल था उसमें हल्के विस्फोट भी हुए और उससे आग और तेजी से फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि थाने के बाजू में स्थित मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और वहां भी आग से नुकसान हुआ। राजधानी रायपुर की पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम या चोरी हुए करीब 151 मोबाइल को ढूंढ निकाला है। शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने इन मोबाइल के मालिकों को पुलिस कार्यालय बुलाकर उन्हें वापस फोन सौंप दिया। इससे मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं।